वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो सब लोग मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और क्या क्या कर रहे हो, कहाँ गर्मी हो रही है, कहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। वैसे अभी जो है ना वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से बारिश आके चली गई है, तो इस बारिश का ना ऐसा ही चल रहा है। मतलब बारिश आती है तो बहुत ही ज़्यादा से बारिश आ जाती है और वापस चली जाती है, और फिर से जो धूप है ना वो शुरू हो जाती है। तो धूप आती है तो हम परेशान होते हैं, क्योंकि हमें गर्मी होती है, पसीना पसीना सब कुछ छूट जाता है। और जब बारिश शुरू हो जाती है तब ऐसा लगता है कि यार इतनी ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है। कल भी बहुत ही तेज़ी से बारिश हुई थी हमारे गांव में, तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। मतलब जो लोग खेती का काम कर रहे थे ना, वो लोगों का काम जो है ना वो उनको बंद करना पड़ा, इतनी ज़्यादा तेज़ी से बारिश हो गई थी। तो इस बारिश का ऐसा ही चल रहा है। मौसम जो है ना एकदम से चेंज हो चुका है। मतलब हम इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, धूप आती है तो भी हमें परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, बारिश आती है तो भी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। तो मैं सोच रही थी अभी थोड़ी देर पहले, मैं ऐसे दिमाग में मेरे आया कि यार हम इतने ज़्यादा परेशान होते हैं तो बाहर जो कुछ पंछी है और बहुत सारे एनिमल्स हैं, इनको कितनी ज़्यादा परेशानियाँ होगी ना, क्योंकि सुबह के टाइम पे सारे पंछी अपने घर से बाहर जाते हैं कुछ फूड के लिए, है ना, फूड ढूंढते हैं, और शाम के वक्त घर वापस आते हैं। तो उनकी कितनी ज़्यादा उनको परेशानियाँ होती होगी ना। मतलब हमारा तो ऐसा नहीं होता कि हम तो घर पे रहते हैं, हम फूड ला के रख सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं, बट उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी इन बारिश में, या फिर ठंड में भी कितनी ये होता होगा ना, क्योंकि सुबह के टाइम पे तो कितनी ज़्यादा ठंड होती है। बट फिर भी सारी परेशानियाँ झेलते हुए सारे पंछी जो है, जो भी एनिमल्स है, वो अच्छे से रह जाते हैं, तो हमें भी अच्छे से रहना चाहिए, है ना। तो आज है थर्सडे, थर्सडे का मेरा रूटीन सुबह से शुरू हो चुका है। मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिया, अभी लंच बनाना बाकी है, 12 बज चुके हैं। वैसे सुबह थोड़ा ऐसे ही क्लीनिंग वगैरह करने में टाइम चला जाता है, कब वक्त होता है ना कुछ पता ही नहीं चल पाता। तो अभी मैं यहाँ पे जो परवल है उसकी सब्जी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने परवल को धो के लिया है, एंड इसके अंदर का जो बीज होता है ना वो हमें यहाँ पे निकालना होता है, तो इसको मैं कट कर दूँगी और इसका जो अंदर का बीज है वो भी निकाल देती हूँ। एंड ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने इस तरह से इसका कटिंग कर दिया है, और बस अभी मैं इसको ना नमक जो है वो लगाने वाली हूँ। तो जैसे मैं पहले एक बार मैंने जो करेले की सब्जी थी वो भी शेयर की थी, तो उसी वक्त भी मैंने करेले को भी जो नमक होता है वो लगा के उसका जो पानी है वो निकाला था, तो अभी मैं वही करने वाली हूँ। और जैसे मेरी सासू माँ बनाती है या फिर मेरी मम्मी बनाती है ना, वैसे ही मैं ये सब्जी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने नमक लिया है, एंड नमक इन सारे जो कुछ पीसेस है ना इनको सबको लगना चाहिए, इसलिए मैं मिक्स कर रही हूँ। एंड इसको 10 या फिर 5 मिनट तक भी आप रख सकते हो। और उसके बाद मैं यहाँ पे देखिएगा अभी आई हूँ, और इसका जो पानी है ना वो इस तरह से निकालना है। तो ये इस तरह से मैं जो पानी है वो निकाल देती हूँ। एंड ये जो सब्जी है वो किस किस को पसंद आती है मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, और आप कैसी सब्जी बनाते हैं ये भी मुझे बता दीजिएगा। मैं जो हूँ ना वो मैं मिर्च डालकर सब्जी बनाने वाली हूँ, कुछ लोग मसाला डालकर भी सब्जी बनाते हैं, बट मुझे ज़्यादा तो ज़्यादा ना मिर्च वाली जो सब्जियाँ होती है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने ऑयल में प्याज, हरी मिर्च और जो कड़ी पत्ता होता है वो डाल दिया है, एंड प्याज को और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी। प्याज सॉफ्ट होने के बाद मैं इसमें टमाटो ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज और एक टमाटो लिया है, एकदम मीडियम साइज़ का जो होता है ना वही लिया है मैंने, और बस इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ। तो थोड़ी देर में ये जो प्याज है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा,
और अभी देखिएगा यहाँ पे मैंने टोमेटो भी डाल दिया है, तो टोमेटो को भी मैं अच्छे से इसमें ऐड मिक्स कर देती हूँ। एंड मिक्स करने के बाद ये भी थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये सब कुछ सॉफ्ट होने के बाद मैं इसमें जो हल्दी पाउडर होती है ना वो डाल रही हूँ। तो हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं जो परवल है ना कटिंग किए हुए वो मैं इसमें ऐड करूँगी, और उसके बाद मैं इसमें जो चना दाल है ना वो डालने वाली हूँ। तो चना दाल को मैंने कल रात को ही भिगो कर रख दिया था, पानी में भिगो कर रख दिया था, तो वो भी मैं इसमें डालने वाली हूँ। हमारे यहाँ पे इसी तरह से सब्ज़ी बनाई जाती है, एंड चना दाल इसमें मिक्स के रख के ना ये जो सब्ज़ी है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर जो चना दाल है ना वो डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे चना दाल मैंने डाल दी है, और अभी मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इस सब्जी को मैं थोड़ी देर में पकाने वाली हूँ। तो बस इसके ऊपर ढक्कन रखना है और बस पका देना है। तो ये देखिएगा मैंने ढक्कन भी रख दिया, एंड ये थोड़ी देर में सब्जी बन जाएगी। और मैं नमक जो है वो मैंने नहीं डाला है, क्योंकि ऑलरेडी इसको नमक मैंने लगाया था, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ पे देखिएगा जो सब्जी है वो बन चुकी है, और इसमें मैंने आखिर में कोकोनट और जो धनिया होता है वो डाल दिया है। कोकोनट हर सब्जी में हमारे यहाँ पे होता है, क्योंकि कोकन में नारियल बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, तो इसके वजह से सारे सब्जियों में, करी में, जो भी खाना होता है ना उसमें कोकोनट तो होता ही है। और यस, आज मैं भूल गई आपको ये वाले इयररिंग दिखाना। तो ये देखो, ये ग्लिटर शीट की इयररिंग्स है, जो कि क्राफ्ट वगैरह में जो ग्लिटर शीट का यूज़ किया जाता है ना, तो उसी के ही मैंने ये वाले इयररिंग्स बनाए हुए हैं। एंड बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सिंपल से हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत से लगते हैं। तो आप भी अपने घर पे ही ऐसे वाले इयररिंग जो है वो बना सकते हो। बस स्टेशनरी शॉप में आपको जो ग्लिटर शीट है वो मिल जाएगी, एंड इस तरह से आप कोई भी शेप में आप इस तरह के इयररिंग जो है वो बना सकते हो। तो कैसे लगे मेरे ये इयररिंग्स मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और यस, अगर आपको सीखना है इयररिंग्स बनाना तो मुझे कमेंट कर जरूर बता दीजिएगा। ओके, तो फाइनली जो लंच है वो मैंने बना दिया है, और अभी वैसे देख लेती हूँ जब राजा आ जाएगा खाने, सॉरी जब राजा आ जाएगा तो हम खा लेंगे। और आज ना मुझे ये वाला जो टेडी बोल रही थी डॉगी है, ये तो ये जो डॉगी है ना एकदम रियल लग रहा है ना, मुझे तो रियल ही लगता है वो। तो इसको ना आज धोना है मुझे, कितने दिनों से ऐसे ही पड़ा था, तो इसको मैं धो लूँगी अभी, क्योंकि ना यहाँ पे देखो ऊपर से जो क्या होता है धूल वगैरह बैठती है ना तो वो ख़राब भी हो जाते हैं। वैसे मेरा जो बड़ा वाला टेडी है ना उसको अभी क्लीन करना चाहिए, बट अभी तो नहीं कर सकती, तो ये ज़्यादा ख़राब हो गया है डॉगी, तो इसको आज मैं क्लीन करने वाली हूँ। एंड मुझे आप ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को मेरे जो ब्लॉग है वो कैसे लगते हैं, कमेंट कीजिएगा। कमेंट कर आप जब बताती थे ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। और यस, जो भी मेरे क्या है ना कि रिलेटिव में अगर कोई कमेंट करता है ना तो उससे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती है, क्योंकि वैसे तो मेरे कुछ ऐसे हैं लोग जो मेरी ब्लॉग के ऊपर कमेंट नहीं करते हैं, बट फ़ोन करके या फिर मैसेज करके बताते हैं कि बहुत ही अच्छा ब्लॉग बना रही हूँ, तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। बट आप कमेंट भी करो ताकि बहुत और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस आज का क्या है आगे, और हाँ भूल गई, और आज ना आप लोगों के साथ मैं एक DIY शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास एक ग्लास की बॉटल थी, कुछ सॉस वगैरह ऐसे ही कुछ था उसमें, तो उस बॉटल का आज मैं DIY करने वाली हूँ। कितने दिनों से मैं सोच रही हूँ कि आज करूँगी बट टाइम नहीं मिल पाता है ना, तो ऐसे हो जाता है।
तो आज मैं सोच रही हूँ कि वही पोर्टल का DIY मैं आपके साथ शेयर करूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को वो पसंद आ जाएगा। और ये सब लोग DIY कैसे लगते हैं मेरे मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। वैसे कुछ लोग कमेंट करके बता देते हैं, बट फिर भी नए हो तो प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा। और अभी और भी मुझे ना कुछ DIYs वगैरह करने हैं, बट टाइम नहीं मिल पाता, ऐसे ही टाइम चला जाता है, कब चला जाता है ना कुछ समझ में ही नहीं आता। तो बस आप मेरे साथ बने रहो, जो भी होगा मेरी लाइफ में वो तो मैं सभी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। एंड बहुत सारे लोग वैसे बोलते रहते हैं कि आप मराठी में व्लॉग बना दो, या फिर हम जो है ना, मतलब मैं हम जहाँ पे रहते हैं वैसे हमारे यहाँ पे हमें मालवनी ऐसे बोला जाता है, तो जो लोग मालवनी हो गए या फिर जो कोकण के हो गए उनको पता चल गया होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि आप ऐसे व्लॉग बना दो, मालवनी में भी बना दो या फिर मराठी में भी बना दो। तो यस, मेरा दूसरा चैनल है मराठी में, बट मैं उस पर काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। और हमने ऐसे सोचा था, मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने ऐसे सोचा था कि उस चैनल पर हम दोनों मिलकर काम करेंगे, बट वो पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि राज का जो रूटीन है ना, इतना बिजी चलता है ना कि टाइम ही नहीं मिल पाता, और मैं दोनों तरफ से काम मतलब नहीं हो पाता। एंड आपको पता होगा कि सैटरडे संडे हम गाँव जाते हैं, तो बस उसमें दिन कब चला जाता है पता ही नहीं चलता, तो व्लॉग थोड़ा सा साइड पे रह जाता है, और तो इसके वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट देख लेते हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे, एंड मराठी चैनल पर हम सोच रहे हैं कि उस पर वीडियो डालें। हम दोनों मिलकर काम करने वाले हैं, बट अभी थोड़ा सा देख लेते हैं जो रूटीन चल रहा है आजकल का, वो बिजी चल रहा है। जब सब कुछ ठीक ठाक से हो जाएगा तो उस चैनल पर भी ज़रूर जो कि वीडियो है वो आएंगे। और उस चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वहाँ पे मैंने उस चैनल का नाम जो है वो मराठी व्लॉगर वैद्य ही ऐसे है। यस, मैं थोड़ी देर के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं उस चैनल का नेम चेंज करूँ, बट देख लेंगे। तो बस इस चैनल पे आप मेरे साथ बने रहिएगा, और उस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। उस पर भी जल्दी ही वीडियो आएंगे, मैं कोशिश करूँगी वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम देने की, क्योंकि वहाँ पे भी कमेंट आया था कि इस चैनल पर भी थोड़ा सा आप टाइम दे दो। तो यस, वीक में एक बार तो मैं जरूर उसको उस चैनल के बारे में सोचूंगी और उसको भी थोड़ा टाइम दे दूँगी। फिलहाल के लिए जो रूटीन है वो हमारा बिजी है। जब ये रूटीन हमारा ठीक से हो जाएगा ना, तो उस चैनल पर वीडियो जो है वो आ जाएंगे। तो चलो अभी श्री डॉगी को जो है वो क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो ग्लास की बॉटल है इसके ऊपर बस मैं ईयरबड्स से डिज़ाइन कर रही हूँ, एक सिंपल सी डिज़ाइन है वही कर रही हूँ। और मुझे मैं जो भी कलर्स पसंद आते हैं वही मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो आपके भी पास अगर ऐसी कुछ ग्लास की बॉटल हो ना, तो आप इसके ऊपर इस तरह से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो। तो मुझे इतना ज़्यादा पेंटिंग नहीं आता है, बट सिंपल सा अगर कोई डिज़ाइन है तो मैं कर सकती हूँ। तो इसके वजह से मैं सिंपल सा ही कुछ देख लेती हूँ और बस करती रहती हूँ। और मुझे DIY बहुत पसंद आते हैं, आप लोगों को कैसे लगते हैं मेरे DIY मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। एंड ये जो बॉटल है इसमें मैं ना मनी प्लांट है ना वो रखने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं इसको इस तरह से बस सजा रही हूँ। एंड यस, ये अभी देखिएगा अच्छे से बन चुकी है। तो इस कलर्स को मैं सूखने के लिए ऐसे ही रख दूँगी, एंड उसके बाद मैं इसमें जो मनी प्लांट है ना वो लगा दूँगी। तो देखिएगा यहाँ पे ये कलर्स अच्छे से सूख चुके हैं, और अभी मैं इस बॉटल में पानी भी डाल दिया है। और ये जो मनी प्लांट है, इसको मेरा जो मनी प्लांट है ना वो वाला, उसको मैंने कट करके बस इसमें अभी रख रही हूँ, एंड बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और बस इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा।